नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड के मसूरी में पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। आपको बता दें कि बीते दिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई भारी बारिश से कैंपटी फॉल में उफान आ गया। गनीमत रही कि कैंपटी थाना पुलिस ने समय रहते झरने में नहा रहे 200 से ज्यादा पर्यटकों को वहां से हटा दिया, जिससे एक बड़ा हादसा समय रहते टल गया। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कैंपटी फॉल से सामने आया ये खौफनाक वीडियो। मसूरी के कैंपटी फॉल में बीती शाम 200 से ज्यादा पर्यटक हादसे का शिकार होने से बच गए। दरअसल कैंपटी फॉल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद फॉल में अचानक पानी बढ़ने लगा, जिससे पानी की बेहद ही तेज धार बहने लगी। आपको बता दें कि ये धार इतनी शक्तिशाली थी कि अगर गलती से भी कोई इसकी चपेट में आ जाता तो उसका नामोनिशान नहीं मिलता। हालांकि स्थानीय पुलिस को पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद उफान का अंदाजा हो गया। ऐसे में पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत फॉल में नहा रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल कैंपटी फॉल में बीते दिन 4 बजे के आसपास लोग जमकर मस्ती कर रहे थे। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग फॉल के नीचे और झील में नहा रहे थे, लेकिन इन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में हुई भारी बारिश का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हालांकि कैंपटी फॉल के ऊंचाई वाले स्थानों पर हुई भारी बारिश की जानकारी पुलिस प्रशासन को मिल गई, जिसके बाद वो दल बल के साथ कैंपटी फॉल पहुंच गए और वहां नहा रहे लोगों को बाहर निकाल लिया और उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। इस दौरान लोग झील से निकले ही थे कि वहां मानो पानी का सैलाब आ गया और पल भर में ही पानी का बहाव खौफनाक हो गया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों को दहशत हो गई। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।